अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों फ्यूचर पेरिंग लैब की जानब से आपका भाई आपका दोस्त आजम अली एक बार एक फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़र हुआ है। दोस्तों आज हमारे पास ये एक मोटरोला डबल ड्राइव जो है वन आया है, तो इसमें मसला ये है कि इसका जो है जो इसकी चार्जिंग जो है जैक जो है वो हमने लगाना कुछ इस तरीके से कि पहले भी किसी भाई ने ये इस पर जैक लगाया है, लेकिन जो है इसके आपको मैं पिन चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके पिन जो है वो नीचे एक प्लस वाला और ग्राउंड वाला वो खड़ा है, बाकी जो है वो रिमूव हो गए। तो अभी हमने इसके जो ये पिन है ये निकालने हैं और निकाल के इसका जो पीसी के साथ डाटा भी शो कराना है, क्योंकि अगर इसको लॉक वगैरह लग गया तो ये जो है हम जो है ये इधर से हो तो जाता है DMDP से RXTX से, लेकिन जो है इसकी मेन जो हमने ये जो चार्जिंग है ये पिन लगानी है और पीसी के साथ इसका डाटा भी कनेक्ट होना चाहिए और पीसी के साथ ये फुल जो है कनेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ जो भाइयों ने होता है या गूगल वगैरह पर जो है लोगो बना के पिक्स बना के छोड़ी होती है, तो यहाँ पर जो है इसके बता रहे होते हैं पिन, लेकिन यहाँ पर भी आपको जो है वो नहीं मिलते। तो उसके बाद इसका हल क्या वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ से ये बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि यहाँ पर एक चार्जिंग IC होता है इसका ये वाला, तो इसके आगे जो दो इसके आगे लगी होती है दो ये कंपैसिटर के पीछे जो है रेजिस्टेंस लगी होती है, वहाँ से इसके जो है DMDP यहाँ पर आ रहा होता है। तो मैं अभी आपको मैंने एक स्केच बनाया, तो ये इसका जो है पैनल है मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो अभी मैंने जो है एक जो है बनाया इसका स्केच, तो मैं आपको इस पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली जो है वो करके मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो है मैंने बनाया इसका चार्जिंग IC है, इसके आगे दो जो है रेजिस्टेंस लगी होती है, तो दो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगी होती है और आगे इनके एक कंपैसिटर भी होता है। ये मैं आपको इसकी यानी कि पहचान के लिए बता रहा हूँ कि आगे एक जो है बड़ा कंपैसिटर लगा होता है। तो यहाँ पर ये एक जो इसका सिरा ये वाला इसका हिस्सा जो होता है ये प्लस होता है और ये GND होता है यानी कि ग्राउंड होता है, और इस प्लस वाले के साथ जो होता है ये जो होता है DM होता है, DM माइनस होता है, और साथ वाली जो होती है DP जो है प्लस होता है। इन दोनों ने जो है वो डाटा शो करवाना होता है, ठीक है। तो ये वाला ग्राउंड भी लाजमी लगाना होता प्लस, तो ये तो आपको पता ही है कि लाजमी लगाना होता, लेकिन डाटा शो कराने के लिए ये आप हमको जो है दो पॉइंट लाजमी लगाने होते हैं। तो ये वाला सिरा जो है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर लगना है। तो दोस्तों चलते हैं हम काम की तरफ। काम करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल फ्यूचर पेरिंग लैब को जो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ लगे घंटी के निशान को लाजमी दबा लेना ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों ये आपके सामने मैं वीडियो में इसकी पिक्स भी डाल दूँगा जो मैंने बिल्कुल फ्रेश जो है यहाँ से इसकी बनाई है, तो उस वो भी आप चेक कर लेना। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों ये छोटी रेजिस्टेंस यहाँ पर होती हैं, ये वाली दो है आपको ठीक तरह से यहाँ पर नज़र नहीं आ रही होंगी, तो इसकी पहचान के ये यहाँ पर इसके आगे जो एक कंपैसिटर होता है और पिक्स जो है मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख लेना। तो चलते हैं हम इसका जो है वो चार्जिंग जैक जो है वो लगाते हैं, और लगाने के बाद जो है मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इसके जो है दोनों वायर जो है वो निकाल के लगा दी है ये इसकी चार्जिंग पोर्ट पर। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये चार्जिंग IC के करीब से मैंने दोनों रेजिस्टेंसों से जो है पॉइंट मैंने लिए हैं इधर। तो वीडियो के एंड में मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी इस पर लगा दूंगा वीडियो पर, आप उससे चेक कर लेना और ताकि आपको आसानी हो सके। तो ये दोनों पिन आउट मैंने जो है लगा दी हैं, अभी ये इंशाल्लाह बिल्कुल ओके जो है मैं आपको चेक करवा दूं, तो ये बिल्कुल ओके है, डाटा शो करता है। तो दोस्तों अभी हम चेक करते हैं कि ये USB डिटेक्ट करता है या नहीं, तो मैं इससे जो है डाटा केबल अटैच करता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जो है वो यहाँ पर शो हो चुका है, तो मैं PC में जाकर भी आपको ये चेक करवा देता हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि इसने डाटा शो कर लिया। तो दोस्तों दुआओं में याद रखना है, अल्लाह हाफिज़।